नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार प्रजापति स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सक्सेस के इस वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट की 2016 और 17 में नंबर सिस्टम पर जो प्रश्न आए हैं और जिन प्रश्नों के कंसेप्ट मैं अपने पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ उन पर आधारित प्रश्न आज करेंगे। तो उसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि यदि एक संख्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न है कि यदि संख्या एक संख्या दिया हुआ है 604, यहां स्थान खाली है फिर 6 लिखा है, 11 से विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है वह संख्या विभाजित होती है तो रिक्त स्थान पर यानी ये जो खाली स्थान है कौन अंक होगा। ये पूछा, इसका विकल्प दिया है 1, 3, 7 और 5। देखिए, 11 से विभाजित होने वाली संख्या का कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं। तो यहाँ 6, 4 और ये जो रिक्त स्थान है हम इसकी जगह पर x मान लेते हैं और ये फिर 6 है। आपको दाहिने तरफ से पेयर बनाना है, इस साइड से पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है संख्याओं का। अब देखिए, लास्ट में बच गई, ये जोड़ा नहीं बन सकती, तो एक यहाँ पर 0 आप बना सकते हैं, आप ये पेयर बना दिए। अब जो बाएं साइड में संख्या है, ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, यहां भी ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इन पेयर में जो बाएं साइड में संख्या है उसमें से दाएं साइड वाली संख्या को घटाना है, यानी x माइनस 6 और बीच में प्लस लिखना है, 0-4 और 0-6 ये करना। अब देखिए, आप ब्रैकेट हटा दीजिए तो यहां से माइनस 6 आएगा, यहां से -4 और प्लस 6x और ये -6, ये 6, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 12, 4, 16 हो गया और धन x हो गया। अब देखिए, इन दोनों का रिजल्ट या तो शून्य आ जाए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए। तो अगर x की जगह पर हम कौन सा अंक रख दें कि ये 11 से विभाजित होगा, तो शून्य लाने के लिए तो धन 16 रखना पड़ेगा, तो इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं है। तो हम x की जगह पर अगर 5 रख दें तो -16 - 5 ये आ जाता है -11। माइनस चिन्ह को निग्लेक्ट किया जाता है, ओवरलुक करते हैं, तो ये 11 जो संख्या है 11 से कट जाती है, इसलिए x के स्थान पर कौन सा अंक होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, सबसे छोटी संख्या क्या, सबसे छोटी संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है। इसका विकल्प मैं लिख देता हूं, एक विकल्प है 333, दूसरा है 444 और तीसरा है 44 और ये 44 44 44। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप विकल्प देख करके बता सकते हैं कि कौन वो संख्या है, 3 और 4 से कटने वाली संख्या जान सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि 3 और 4 से कटने वाली जो एक ही अंक से मिलकर के ये संख्या बनाई गई है वो क्या है।
तो देखिए तीन में अगर 37 का गुणा करेंगे, तीन और 37 दोनों ही अभाज्य संख्या है, इनका गुणा करने पर एक एक आता है, और तीन के मल्टीपल में यानी तीन का अगला पहाड़ा में 6 आता है, 6 में अगर 37 का गुणा करेंगे तो ये 2 2 2 आता है, फिर 9 में अगर 37 का गुणा करेंगे तो ये 3 3 3 3 आता है, फिर 12 में अगर 37 का गुणा करेंगे तो ये 4 4 4 आता है। आप देख लीजिए ये जो 4 4 4 आया है ये 4 से भी और 3 से दोनों से कट जाती है, तो इसका आंसर ये होगा। तो ये मैंने अपने अंकों के अभाज्य संख्याओं के जादू वाले वीडियो में ये इसका जिक्र मैंने किया है, इस तरह की संख्याओं का जो सदैव विभाजित होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या विकल्प में है 2 3 5 और 7। देखिए ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि वह संख्याएं जो खुद से और एक से केवल कटती हैं, अभाज्य संख्या होती है। तो एक जो है न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक किसी भी भाज्य और अभाज्य के श्रेणी में नहीं है। तो अभाज्य जो संख्या होती है वो 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 इस तरह से ये चलती है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 हो गई, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या की विशेषता है कि वे संख्याएं जो खुद से और एक से विभाजित होने के साथ साथ किसी और एक संख्या से विभाजित हो, तो इस शर्त के अनुसार देखिए एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या हो गई, 3 भी अभाज्य संख्या हो गई, तो अब 4 से ही शुरू है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। किसी 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है? विकल्प में दिया है 16 35 43 और 23। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अलजेब्रा से भी लगा सकते हैं, टाइम लगेगा। इसमें आपको एक चीज बस ध्यान देनी है कि ऐसी संख्या जिनके अंकों का गुणनफल 6 है तो वो कौन कौन हो सकती है, तो देखिए 16 हो सकती है, 23 हो सकती है और 32 हो सकती है। ये मात्र 3 ही ऐसी संख्याएं होंगी जिनके अंकों को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब इसमें से अगर 16 में 9 जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि वो संख्या 16 है, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, अंकों का स्थान बदला नहीं। 23 है, 23 में 9 जोड़ेंगे तो देखिए 32 आ गया। इसका मतलब कि संख्या का जो स्थान 3 दहाई इकाई पर था वो दहाई पर आ गया, 2 जो दहाई पर था इकाई के स्थान पर आ गया, तो हमारा उत्तर यही सही है। तो इस तरह के प्रश्न हम विकल्प से बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ संख्याएं दी हैं, 378 × 236 × 459 ×
312 के गुणनफल में, के गुणनफल में इकाई अंक क्या है, इकाई का अंक पूछ रहा है। देखिए इस तरह के प्रश्न में जहां इकाई का अंक बताना है आपको, ये जो तीन तीन अंक के गुणा दिए हैं अगर आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके इकाई के अंकों को हम लोग पहचान लेते हैं। देखिए ये इकाई के अंक हैं। अब 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48 होगा। अब 48 में 8 इकाई का अंक है, फिर इस 8 से गुणा 9 में करेंगे तो देखिए 72 होगा। अब 72 में 2 इकाई का अंक है, अब 2 से गुणा 2 में करेंगे, 2 से गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। और विकल्प में भी दिया है, विकल्प दिया है 6, 8, 2 और 2, ये 4 है, तो ये वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक संख्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, संख्या है 3 के पावर 99 में से 3 के पावर 50 के इकाई के स्थान पर कौन अंक आएगा, ये बताना है। अब इसमें विकल्प दिया है 0, 4, 6 और 8। हमने इकाई का अंक कैसे प्राप्त करने वाले वीडियो में बहुत ठीक से समझाया है कि इस तरह के प्रश्न कैसे कर सकते हैं। देखिए 3 के पावर 4 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 आता है, 3 के पावर 4 81 होता है और इकाई के स्थान पर 1 आता है, तो हर 3 के पावर 4 में इकाई के स्थान पर 1 आएगा। अब हमारा उद्देश्य यह है कि 3 के पावर 99 और 3 के पावर 50 को 3 के पावर 4 के रूप में बदल सके। तो देखिए अगर 99 में आप 4 से भाग देंगे तो 24 चौके 96 होता है, यानी 3 के पावर 96 गुणे 3 के पावर 3, ये पावर पावर जुड़ जाता है, 3 के पावर 48 गुणे 3 के पावर 2। अब देखिए 3 के पावर 96, 3 के पावर 48, ये 4 से कट गई, इनको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4 का पावर 24 गुणे 3 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 4 का पावर 12 गुणे 3 के पावर 2। अब यहां पर जो है इकाई का स्थान आएगा वो 1 आएगा, और 3 के पावर 3 को 27 लिख सकते हैं, और यहां पर जो इकाई का स्थान आएगा ये भी 1 आएगा, और 3 के पावर 2 को 9 लिख सकते हैं। तो 27 में से 9 निकालेंगे तो 18 बचेगा, तो इकाई के स्थान पर 8 संख्या आएगी जो कि ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2 संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। 2 संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। इन संख्याओं के व्युत क्रमों का योग क्या होगा, व्युत क्रमों ने इन संख्या का उल्टा पूछ रहा है। 2/11, 11/2, 18/11 और 11/18, ये क्वेश्चन 2016 में आया। अब मान लीजिए कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, ये 2 संख्याएं हैं, इनका इनवर्स यानी व्युत्क्रम होता है 1/x और इसका व्युत्क्रम होता है 1/y, इस संख्या का उल्टा हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा ऊपर x+y और नीचे आएगा x into y। x+y कह रहा है कि 11 है और x into y 18 है, तो 11/18 इसका आंसर हुआ।
अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 31, अगला क्वेश्चन है 31, यहां एक सौ और पांच दिया है, 9 का अपवर्त है, 9 का अपवर्त है तो एक्स का मान क्या है, क्या होगा, एक्स के बारे में पूछा है तो इसका दिया है आंसर 1, 3, 6 और 9। देखिए अपवर्त मतलब एक 9 से कटने वाली संख्या है, ये जो संख्या है 31 एक्स पाई ये 9 से कटने वाली है, तो जो संख्या 9 से कटती है उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 3 धन 1 धन x धन 5 ये जो आएगा इसे 9 से कटना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो 5 1 6 3 9 हुआ, 9 प्लस 1। यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दिया जाए कि ये 9 से कट जाए, तो x की जगह पर अगर हम 9 रख देंगे तो 9 9 18 होगा और ये 9 से कट जाएगा, इसका आंसर होगा 9। अब एक लास्ट में हम लोग देखेंगे, पूछा है कि एक संख्या पाई जो है कैसी संख्या है, तो मैं आपको बता दूं पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। आपके दिमाग में ये बात उठ सकती है कि पाई अपरिमेय है और 22/7 क्यों परिमेय है, तो पाई का 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग मान है, इसलिए पाई आज के डेट में पाई के दशमलव के स्थान पर 250-300 अंकों तक मान निकाला जा चुका है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है याद रखिए, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। तो मैंने अधिकतम क्वेश्चंस लिए हैं इसमें जो 2016 और 2017 में आए हैं, आगे के क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जो भिन्न पर और अन्य चीजों पर आधारित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए।